देश भर में हरियाली तीज का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भगवान बांके बिहारी जी को सोने और चांदी के डिंडोले में बिठाकर भक्तों ने झुलाया। हरियाली तीज के मौके पर देश विदेश से हजारों भक्त अपने इष्ट देव के अलौकिक दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान से मनोकामना करते हैं। इस मौके पर बांके बिहारी के मंदिर में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। फूलों और पत्तों से मंदिर को सजाया गया है। बांके बिहारी के मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में आए भक्त भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बता दें कि बांके बिहारी जी के मंदिर में ये प्रथा पिछले 150 सालों से चली आ रही है, जहां हरियाली तीज के पर्व पर ही भगवान को बाहर लाया जाता है और फिर भगवान डिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में जो हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि हरियाली तीज जो सावन के मध्यकालीन वेला में पड़ती है, ठाकुर जी मावस के बाद जो तीज पड़ती है तिथि, उसके दिन बांके बिहारी जी महाराज को सोने के झूले में बैठाया जाता है। ये झूला जो है अद्वितीय झूला है, इस जैसा पूरे ब्रजमंडल में कोई इतना सुंदर और इतना आकर्षक स्वर्ण आदि का झूला नहीं है, क्योंकि बिहारी जी महाराज संध्याकालीन वेला में हरे वस्त्र परिधान पहनकर आभूषण पहनकर इस झूले में राधा रानी के साथ विराजमान होते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और ऐसा भाव रहता है कि भक्त श्रद्धालु बिहारी जी के इस झूले की छवि को देखने के बाद अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। वहीं इस मौके पर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में हर तरफ पुलिस और PAC भी तैनात की गई है। साथ ही CCTV कैमरों के द्वारा सभी जगह पर नजर रखी जा रही है और कई जोनों की पुलिस फोर्स को भी यहां पर तैनात किया गया है। पंजाब केसरी TV के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।